दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मधुबाला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मधुबाला एक ऐसा शो रहा है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का है, बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो मधुबाला सीजन 2 रिलीज डेट, व्हाट टू एक्सपेक्ट इज बैक, इसके बारे में करने वाले हैं बात। देखते रहिए वीडियो को पूरा एंड तक। दोस्तों हर बार की तरह एक पैसा लाइक उसके साथ कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक होता गया, इसे नोटिफिकेशन मिल जाती है और आप हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन हो जाओगे। जितनी बड़ी फैमिली होती है ना, उतना ज्यादा मजा भी आता है वीडियो बनाने का। तो जिसने नहीं करके रखा है तो ये खूबसूरत से नजारे देखिए, और नजारे देखते देखते यार लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कर ही दीजिए। इससे क्या होता है, फैमिली बढ़ती है और जितनी बड़ी फैमिली होती है उतना ज्यादा मजा भी आता है वीडियो बनाने का। सो गाइस, मेरा नाम है तंजीर खान और आप देख रहे हैं क्रेजी न्यूज। आप सभी को पता है कि मधुबाला एक ऐसा शो रहा है जो कि बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। लोग चाहते हैं कि मधुबाला का सीजन 2 शुरू हो। वेल, आप सभी को पता है कि मधुबाला में आर के जो कि नाम बहुत ज्यादा फेमस है, जिनका नाम है ऋषभ कुंद्रा। ऋषभ कुंद्रा कौन है? तो ऋषभ कुंद्रा जो कि आरके का रोल प्ले करते थे वो थे विवेन डी सेना। तो विवेन डी सेना को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है और लोग चाहते हैं कि विवेन डी सेना की वापसी हो और विवेन डी सेना हमें देखने मिले। तो क्या यहाँ पे विवेन डी सेना क्या सच में वापसी करने वाले है, क्या शो वापस आने वाला है और क्या दृष्टी धामी और विवेन डी सेना हमें फिर से नजर आएंगे? कल खबरें तो ऐसी है कि 2023 में ये शो शुरू होने वाला है और आप सभी को देखने मिलने वाला है और यहाँ पे ये जोड़ी मेकर्स जल्द ही लाने वाले हैं। तो जितने जल्दी ये जोड़ी वापसी करेगी ना, उतना ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि फैंस जो चाहते हैं, फैंस चाहते हैं कि शो शुरू हो जाए और शो हमें देखने मिले। तो यहाँ पे मेकर्स इस शो को स्टार्ट कर रहे हैं और ये शो आप सभी को जल्द ही नजर आएगा और ये शो वापसी करते हुए आप सभी को नजर आएगा और दस्ती धामी और विवेन डी सेना की जोड़ी आप सभी को फिर से नजर आने वाली है।